वो अपना सा। कानों की अंगूठी में ना मैंने एक ट्रैकर लगा दिया। ये लाल डॉट देख रही है, ये जहाँ जाएगी हमें पता चल जाएगा। देखिए अभी अम्बेडकर चौक पे है। अर्जुन, हमें रानू की लोकेशन मिल गई तो हमें चलना चाहिए, लेट नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिए। चाहती हूँ कि हमारे पति ड्रम के अंदर, रानू ऐसा मत करो, उनका दम घुट जाएगा। रानू रानू मर जाएगा, वो इतनी निर्दयी मत बनो। जिया कहाँ है? हो सकता है वो अभी भी बाबा को ढूंढ रही है। मैं कॉल करता हूँ जिया को। दिल्ली में कहाँ ढूंढेंगे उसे? एक मिनट। फोन की आवाज यहाँ से आ रही है क्या? जिया? अर्जुन, जिया का फोन। ये ऐसा तो नहीं कि जिया ने उन गुंडों को बाबा को ले जाते हुए देख लिया और क्या हुआ? नहीं भाई। कौन? कहाँ? दीवारें तुम गिरी कैसे? जैसे अभी अभी सीमेंट से भरी हो। अच्छी भाई, गुंडा भी दीदी कह, कहीं वो दीवार तो नहीं कह रहा था? आकाश, ये रानू लिखा है क्या? आकाश लाओ, सरिया लाओ। बांग चेरी यहीं पे, वो देखो चाकू, मैं कह रही हूँ वो आ चुके हैं घर के अंदर। रोमा जी कहाँ? रोमा यहाँ है। के लिए एक सरप्राइज लेकर आए। इंस्पेक्टर, ये कौन है और आपने यहाँ क्यों लाए? ये एक टेररिस्ट है, भागने की कोशिश कर रहा था, एनकाउंटर में मारा गया और हमें पता चला कि ये इसी परिवार का हिस्सा है। जितना आराम करना है कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे आराम को हराम करूंगी मैं। अमीरा, सॉरी जी, मैं तो बस दवाई लेकर आई थी। तीर धनुष पे आ चुका है। ये निकला तीर। माई, बता दो बुड्ढा कहाँ पर? यहीं पर है वो। खुशी नहीं हो रही आपको जान के? देखो बुड्ढा इतना करीब है फिर भी इतना दूर है, यह समझ नहीं आया। चलो एक और सुराग देते थे, गिन के 56 कदम रखने होंगे और पहुंच जाओगे बुड्ढे तक। मुझे तो उस राज के बारे में भी पता चल गया जो आकाश को उसके पिता तक पहुंचा दे। मुझे तो मरना ही होगा हमारे राज को राज रखने के लिए। बिन्नी भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां गई। क्या? क्या बिन्नी नहीं मिल रही है? क्या हुआ? मतलब बिन्नी यही थी, पहले बिन्नी का फोन आया था फिर अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। रानू बताओ बिन्नी का? हमें क्या पता, हमें तो ये खबर अभी मिली है तुमसे। बिन्नी भी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहां गई। कहीं रानू ने क्या? क्या बिन्नी नहीं मिल रही है? क्या हुआ? मतलब बिन्नी यही थी, पहले बिन्नी का फोन आया था फिर अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। जब मैं कॉल बैक कर रहा था तब स्विच ऑफ आ रहा है। रानू बताओ बिन्नी कहाँ? अरे हमें क्या पता, हमें तो ये खबर अभी मिली है तुमसे कि बिन्नी यहाँ पर आई हुई है। क्या हर काम रानू ही करती है? अदय, मैं नहीं जानती बिन्नी का, लेकिन उसके गायब होने में अगर तुम्हारा हाथ हुआ ना तो? कहाँ ना, हमें नहीं पता है कहाँ है बिन्नी। हम पे जबरदस्ती का इल्जाम लगाए जा रहे हैं, आप लोग पागल तो नहीं हो गए? भूलो नहीं, अभी भी वो बुड्ढा हमारे कब्जे में है और हम कुछ भी कर सकते हैं। गलत, सिर्फ गलत कर सकती हो तुम। तुम्हें पता है तुम्हें आज तक माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम उस प्यार के लायक ही नहीं। अरे माँ ने तुम्हें इतने सालों से पालकर पोसकर बड़ा किया और तुमने क्या किया उनके साथ? उनका अपमान? यू नो व्हाट, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा होते ना तो कोसते खुद को कि कैसी औलाद पैदा। कोई जरूरत नहीं हमारे माँ बाप के बारे में बात करने की। यार ममता, ये सब ये लोग नहीं जानते, इन लोगों ने हमारे बाप को हमसे छीना है। तू क्या समझती है अपने आप को, तू इन लोगों की मदद करेगी? तुझे तो उस राज के बारे में भी पता चल गया जो आकाश को उसके पिता तक पहुंचा दे। तुझे तो पता है कि चाबियां हमारे पास है। क्या करें तेरा जिससे हमारा राज राज ही रहे।
मार देते हैं तुझे। नहीं लगा, हम इतने भी तंगदिल नहीं हैं कि थप्पड़ का जवाब ना दे। जी, जी, क्या मतलब इसे है? अरे सुबह जो तुमने गिफ्ट दिया था वही तो वापस लेकर आई हूँ, और ये बताने आई हूँ कि हम तुम्हारे चालों से डरते नहीं हैं। ओके अच्छा, वो तो हमने देख ही लिया था सुबह, कैसे हवाइयां उड़ गई थी, भीगी बिल्ली बन के बैठी हुई थी एक जगह। और इतना ही डर नहीं है तो फिर हमारी नजरों में देख के बोलो, इधर उधर क्यों देख रही हो, वहां क्या है? हाँ तो यही तो देख रही हूँ, और कैसे बात कर रही हूँ। अब तुम वहां क्या देख रही हो, दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ तो जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का। अरे आइए, आपको शो दिखाते हैं आज बुड्ढे का, जिसकी निर्देशक है रानू। रानू रुको, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अरे तुमसे सॉरी बोलने आया हूँ यार। अरे जो अपना सॉरी है ना, इसे अपने बगल में दबा के यहाँ से निकल ले। कल क्वालिफाइंग राउंड है ना, और तुझे पता है कि तू इस रिंग के अंदर मेरे साथ खेलने लायक नहीं है, और कल टूर्नामेंट में दूंगी मैं तेरी सारी हरकतों का जवाब। कल बहुत शुभ दिन है, 25 साल पहले मैं राखी बुद्दर को इस घर में बहू बनाकर लाई थी। पृथ्वी कल जरूर आना। ऑफ कोर्स आऊंगा। आपको नहीं लगता कि हमें प्रीता को भी इनवाइट करना चाहिए? मैंने करण और ऋषभ को इनविटेशन दिया नहीं ना, तो प्रीता को भी कैसे दूंगी? जैसे मैं उनकी दादी हूँ वैसे प्रीता की दादी हूँ। अभी मेरा दर्द महसूस करती, अभी तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता है, तुम मेरे बारे में सोचती हो, मुझे मिस करती हो। बताओ प्लीज, प्लीज तुम सच बता दो, देख लेंगे ना बाद में करना क्या है, तुम बोल तो दो प्लीज। ये तो वही बेकरी है जहां से अंग्राज ने, ब्लडी अंग्राज, मेरी दी को डराना चाहता है। एक बार जेल जाके तेरे चैन नहीं मरा। अगर अंग्राज बदल गया है तो फिर ये क्या है? मेरा यकीन करिए, ये दी के बाल है और पिछले 10 साल से ये इस इंसान के पास। अगर ये बाल पूजा के तो डीएनए टेस्ट से ये बात साबित हो सकती है।